DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. एडीएम साहब से मिले हैं अवैध बजरी खनन मामले को लेकर. कहाँ का मामला? सावर के पास में गोपालपुरा के पीछे खारी नदी है, उसमें महीने भर से अवैध खनन जारी है और इस पर हमने वन विभाग को भी लिख के दिया है, उसको तहसीलदार साहब को भी दिया, लेकिन वहाँ कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यहाँ पे कलेक्टर साहब के पास आए तो कलेक्टर साहब ने कहा कि एडीएम सिटी को चार्ज दे रखा है, उनसे मिले आप, तो उनसे उनको एप्लीकेशन दिए. कब तक चल रहा था ये महीने भर से चल रहा है? वैसे तो हर साल ही चलता रहता है, पिछले साल से चला, अभी फिर से शुरू हो गया है और जैसे बारिशें ख़त्म हो जाएगी तो फिर वापस शुरू हो जाएगा. कितनी बार आपने शिकायत दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? हाँ, दो बार सावर में वहाँ दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. सावर में किसको दी? और ऑनलाइन 181 नंबर पे भी कंप्लेंट करके दो महीने पहले वो कहते हैं कि 15 दिन में कार्यवाही होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. अब आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अवैध खनन बंद हो जाए, क्योंकि पिछले साल जब जुलाई में बारिश आई तो दो दो फीट पानी में भी 3 बच्चे डूब के मर गए थे, 14 साल के. वो अवैध खनन के जो खड्डे हो रहे थे इसी कारण उनमें डूब गए, जबकि वो सिर्फ 2 फीट पानी था नदी में. कौन कर रहा है ये अवैध खनन? ये अवैध खनन हम गोपालपुरा से है, सूरजकरण मीणा जो पूर्व सरपंच रह चुका है, वो उसके LNT जैसी भी सब साधन है, तो वो बाहर से गाड़ियाँ मंगा के भर के करवाता है. एडीएम साहब ने कहा कि माइनिंग इंजीनियर को आज ही चिट्ठी लिखेंगे और इस पर कार्यवाही की जाएगी. आपका नाम? सूरज सिंह मीणा. कोई खनन का मामला? बजरी पर रेस बंद करने आ गया LNT सुलझ कराने की. सरपंच की आज जैसी भी बजरी पर रही को ट्रकड़ा में आ रहा है. बजरी माफिया चला मिले मारा बेटा का सुबह सुबह 5 बजे.